हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए आज हम बात करते हैं कुछ। आज हम इस तरह का एक साइड वॉल हैंगिंग बनाएंगे। ये फोम फ्लास का है जो हम टियारा में फ्लास यूज़ करते हैं, ये मैंने उस फ्लावर का बनाया है। और इसका ऊपर भी मैंने इस तरह से इसमें ये छोटे छोटे फूल ही यूज़ करे हैं मोतियों के साथ कनेक्ट करके। तो चलिए हम ये सीखते हैं कि ये हमने किस तरह से बनाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले ये जैसे हमने बनाया है वो बनाने के लिए हमें क्या, ये इस तरह की एक बॉल होती है जो इसमें दोनों साइड पे होल होता है। ये देखिए, इसके ऊपर हमें ये अपने जो अभी हम ये येलो कलर के फ्लास यूज़ करेंगे, ये इस तरह का आपको पैक मिलेगा और इस तरह से ये बंचेज होते हैं। आप ये सेपरेट भी ले सकते हो या आप फुल पैक भी ले सकते हो। ये इस तरह के हम बंचेज लेंगे। तो वो करने के लिए पहले हमें ये देखिए, आप ये इस तरह से आते हैं, हमें इसको खींच के इस तरह से ये इसका जो वायर रहता है पीछे उससे हमें इसको अलग करना है। हम सारे फ्लावर्स को इसी तरह से इस वायर से अलग करेंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो वायर से अलग करने के बाद में हमारे पास कुछ इस तरह से फूल मिलेंगे। आप अगर उनको खींचना नहीं चाहते आप उसको कट भी कर सकते हो सीजर की मदद से। मैंने उसको खींच के अलग किया है। अब हमें क्या करना है, हमें ये अपना हॉट ग्लू गन लेना है और ये ध्यान रखिए आप अच्छे से गर्म होना चाहिए। उसके बाद हम इसे किनारे से लगा के ये हमें होल के साइड से इसको लगाते हुए और इन ये अपने फ्लास को इस तरह से पेस्ट करना है। इस तरह से जरा इसको प्रेस करके रखिए ताकि वो अच्छे से चिपक जाएगा। अभी ये देखिए, ये सिर्फ हमने इतना इसको एरिया छोड़ा है ताकि हमारा इसमें जो हम थ्रेड या निडल यूज़ करेंगे वो हमारा जा सकता है। हमें इसी तरह से पूरे को फ्लावर लगाने हैं और इसका ध्यान रखिए आप कि इसमें बीच में स्पेस नहीं दिखे, थोड़ा कनेक्ट कर करके लगाइए। ये देखिए इस तरह से यहाँ भी लगा दीजिए और ये ऐसे करके इसे मिलाते हुए और हमें इसे, ये देखिए इसमें जगह देखिए तो आप प्लीज़ इसे प्रेस करके आपस में इनको मिला दीजिए। हमें पूरे पे ऐसे ही लगाने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इस तरह से हमने ये बॉल तैयार किया है और ये आप देख सकते हैं ये हमारे यहाँ होल हैं दोनों साइड। अब हमें इसमें थ्रेड की मदद से हम अपना थ्रेड यूज़ करके और अभी हमें इसके ऊपर अपना ये हम कुछ पल्स यूज़ करके ये देखिए मैं ये वाले इसके पल्स इसमें यूज़ करूँगी। ये थोड़ा मोटा साइज का है, ये 10 mm इसका पर्ल का साइज है जो आप मेरे हाथ पे देख सकते हो। ये 10 mm का पर्ल है और मैं इसके साथ में गोल्डन कलर के पर्ल यूज़ करूँगी जो 8 mm के हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे जो मैं वाइट कलर के पर्ल यूज़ करना चाह रही हूँ ये वो हैं और ये इस तरह का एक जो मोटा थ्रेड आता है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। इसको हम यहाँ नोट लगाएंगे। इस तरह से नोट लगाने के बाद में हम एक ही गोल्डन कलर का पर्ल लेके इसको इस तरह से और यहाँ से दोबारा इसे निकाल के थ्रेड निडल को और हम इस तरह से इसे सिक्योर करेंगे। ये देखिए, सिक्योर करने के बाद में हम सेम प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ हमने 2 golden color यूज़ करा है, इस पर हम यहाँ पे भी 2 golden color एंड 1 ये और उसके बाद में ये हमारा एक हमने जो हम गोल्डन येलो कलर का बना रहे हैं तो उसके बाद में पहले हम ये और उसके बाद में हम अपना होल ढूंढ के
देखिए इस तरह से, और इसको यहाँ पास कराएंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ये देखिए इसको, निडल को हमने वहाँ से पास कराने के बाद में अभी ये हमारे पास इस तरह से है। अब इसके बाद में हमें फिर से अपना सेम प्रोसेस, हम ये लेंगे गोल्डन कलर का पर्ल, उसके बाद में हम हमारा ये वाइट कलर का एंड फिर से गोल्डन, और उसके बाद में हम ये अपना, ये देखिए इस तरह से हम ये हमारा इस तरह से आएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने ऊपर की तरफ रखा है फ्लावर को, ये जो लीव्स वाला एरिया होता है वो नीचे है। हमें इसी तरह से अपना पूरा तैयार करना है। फर्स्ट हम लेंगे गोल्डन, उसके बाद में वाइट एंड फिर से गोल्डन, ये देखिए, और उसके बाद में फिर हमारा फूल जाएगा। ये हमारा इस तरह से बनेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इस तरह से, ये हमारा सेम वॉल हैंगिंग, साइड वॉल हैंगिंग बन के तैयार है। और ये हमारे पास दो कलर में, आप कोई से भी कलर में इसको बना सकते हैं। तो ये आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक यू।